फिर दिल करे तो दिल्ली भी दूर नहीं है, और ऐसा करते हैं हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। काफी टाइम बाद हम ब्लॉगिंग में वापस आए हैं, और हमारा आने का मकसद भी कुछ अलग ही था, क्योंकि आज हम जा रहे हैं ट्रिप पे। मैं, चंदू और एक हमारे फ्रेंड मुकेश, जिसको आप जानते हैं, कई ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो अभी फिलहाल हमारा प्लान ये है कि हम लोग निकल चुके हैं घर से, सारे सामान वामान पैक कर दिए, संगीता से बाय बोल दिया, मम्मी पापा सबसे बाय बोल दिया, और सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम निकल चुके हैं। भाई अब जल्दी चल यार, तू जानता है नहीं क्या मुकेश को कितना टाइम लगता है तैयार होने में। तो फ्रेंड्स, अब टाइम खराब नहीं करेंगे और उसको लेंगे और उसके सारे सामान पैक करवाएंगे और फिर निकलेंगे हमारी जर्नी पे। पहुंच गए हैं मुकेश के घर पे और चंदू गए हैं उसके सारे सामान लेने। अब रखेंगे गाड़ी में और वो आ जाता है, उससे मिला देते हैं और फिर निकलते हैं। अरे भाई कितना टाइम लगेगा उसको? चल रहे हैं, 2 मिनट में चल रहे हैं भाई। उसको और कितना टाइम लगने वाला है? आ रहा है। मुकेश पानी भर रहा है। भाई कितना टाइम लगने वाला है? बस जस्ट हो गया है, बस जल्दी कर यार, लेट हो जाएंगे। ले चल भाई चल, अब लेट हो गया ऑलरेडी। देख चंदो, ये इसकी वजह से लेट हुए और अब ये कह रहा लेट हो गए, लेट हो गए। तो चले ओके। हम लोग काफी ज्यादा चल चुके हैं और अभी ड्राइवर साहब चेंज हो चुके हैं और मुकेश सबको हाय बोल दीजिए, और हमेशा की तरह चंद्रू भाई पीछे बैठे हुए हैं और मजे ले रहे हैं। नहीं चंदू, और ट्रिप का मजे चंदू ही ले रहा है भाई। तो अभी हम लोग जयपुर पहुंचने वाले हैं। अब हमारे से लगभग आधा घंटा दूर जयपुर है, और फिर दिल करे तो दिल्ली भी दूर नहीं है, और ऐसा करते हैं हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। फाइनली 5 बज चुकी हैं और हम लोग नोएडा पहुंचने वाले हैं। नहीं मुकेश भाई, थक तो गए यार बिल्कुल। अब क्या सीन है हमारा कि अब हम लोग सबसे पहले वहाँ चलेंगे, हमारे एक फ्रेंड्स को उठाएंगे, डीकैथलॉन चलेंगे, और वहाँ से जो शॉपिंग करनी है वो सारी चीज़ें करेंगे, और भले उसमें रात के 10 बज जावे। हो सकता है तो हम लोग अभी सारा काम निपटा के हम लोग आगे वाली ट्रिप पे जा भी सकते हैं, पर ऐसा शायद ही हो पाएगा। हो जाएगा क्या? दिल्ली स्टे कर लेंगे, नहीं तो नहीं होगा तो दिल्ली स्टे करेंगे। पहुँच गए दिल्ली, और दिल्ली पहुँचने चालू हो गए। नहीं भाई बिल्कुल 5 मिनट की देर है और वो आने वाला है और फिर हम लोग चलने वाले हैं। हेलो हेलो। एक भाई को तो बिठा लिया हमने। क्यों भाई, अच्छा तो लग रहा है ना हमारे साथ आके? मजे में। और अब एक भाई हमारा सोया पड़ा हुआ है, अब हम उसके घर पे जा रहे हैं और अभी आपको दिखाएंगे उसको कैसे उठाते हैं। सुबह से हम 100 से 150 कॉल कर चुके हैं पर वो फोन उठाने का काम नहीं ले रहा है। और अब बड़ी स्थिति है कि दिल्ली का जो ट्रैफिक है वो तो आप जानते ही हैं, और दिखाएंगे ट्रैफिक भी दिखाएंगे आपको। सबसे पहले हमारे फ्रेंड से मिलाएंगे और उसको उठाते हुए दिखाएंगे कि आखिर लड़के होते कैसे हैं। तो हम पहुंच गए हमारे दोस्त के घर के बाहर, और ये देखिए सारा सब कुछ बंद है, और उसके फ़ोन लगाए जा रहे हैं और फिर उसे बुलाया जाएगा। बता रहा हूं, ये बीच में खड़ी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते पहुंच चुके हैं और काफी अच्छा लग रहा है। और नीरज भाई मतलब कि बड़े संगीतकार निकले। ये देखिए सारा इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्टर, उधर की साइड पे गिटार पड़ा हुआ है, और ये चंद्रा भाई बजाते हुए अच्छा भी लग रहा है। अभी सीन ये है कि थोड़ी देर हम लोग यहाँ बैठते हैं, चाय कॉफ़ी लेते हैं, और फिर आगे के प्लान वहाँ जो बनने वाले हैं ना वो काफ़ी ज़ोरदार होने वाले हैं। सो ठीक है, आप चंदू भाई को दिखाइए गिटार लेकर। सो ठीक है, अब हम सारे दोस्तों थोड़ी बातें कर लेते हैं और फिर आते हैं, सारी शॉपिंग के लिए चलते हैं, और जब चलेंगे आपको लेके चलेंगे ना वैसे भी। ये देखो ये। नीरज भैया, और नीरज भैया की शॉपिंग और ट्रैकिंग के लिए सारी तैयारियां हो चुकी है। कैसा लग रहा है? फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं और रात के 2 बज चुके हैं, और अब सीन ये है कि हम नीरज भाई के घर पे आ गए थे, सारी शॉपिंग हो गई और पूरे दिन थक भी गए थे। हमने सोचा यार कि हम लोग कहीं बाहर जाएंगे, उससे अच्छा कि नीरज भाई के घर पे ही रुक जाते हैं। आंखों में आप देख ही पा रहे होंगे बिल्कुल, मतलब कि पूरे दिन थक गए थे।
सारे मतलब मुकेश और चंदू तो गए हुए हैं फ्रेश फ्रेश होने, और इधर देखो नीरज भैया की पैकिंग चल रही है। कितनी देर में पैकिंग हो जाएगी? मेरी 5 मिनट में पैकिंग हो जाएगी, पर मुझे नहीं लगता कि इनकी पैकिंग होने वाली है सुबह, मतलब कि ये का ही सीन होने वाला है। सुबह हम 8 बजे तक इनकी पैकिंग करेंगे और फिर निकलेंगे पहाड़ों की ओर। और अभी ये सीन है कि बहुत ज़बरदस्त नींद आ रही है, पूरा दिन ट्रैवलिंग में गुजर गया था और काफ़ी मतलब ज़ोरदार हो गया था शॉपिंग की। हम आए, वैसे हम 700 किलोमीटर चल के आए तो वैसे भी थक चुके थे। सो टिकी फ्रेंड्स, अब हमारी होने वाली गुड नाइट और आपको भी गुड नाइट, और आज का दिन अच्छा रहा और कल हम मिलने वाला है बहुत ज़बरदस्त एडवेंचर के साथ।